सामने आई है। मिंटो रोड का अंडर ब्रिज पानी से लबालब भर गया और यहाँ एक ऑटो पूरी तरह से डूब गया। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ सिस्टम की नाकामी उजागर हुई। लगभग तैरने से की मुद्रा में ये राजधानी दिल्ली है और कनॉट प्लेस यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। दरअसल ये है मिंटो रोड। मिंटो रोड का मिंटो ब्रिज पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो ये देखिए राजधानी दिल्ली के हालात के किस तरीके से मिंटो रोड का ब्रिज डूब चुका है। हालांकि राहत की बात सिर्फ ये है कि जब ये ब्रिज डूबा था उस वक्त कोई भी वाहन यहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि इससे पहले तब भी ये स्थिति आई थी जब ये ब्रिज डूबा उस वक्त यहाँ पर एक वाहन मौजूद था और एक व्यक्ति हताहत भी हो गए थे अगर बीते सालों की बात करें तो। और देखिए कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक ये पूरी रोड बंद कर दी गई है। तो ये है राजधानी दिल्ली जो ऐसी 2 घंटे की बारिश में बाढ़ ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि लगभग जो पैर है वो मेरे उठते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो एक हाथ से तैरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है दिल्ली और अब मैं लगभग गर्दन तक पानी में डूब चुका हूँ। अंग्रेजों के जमाने में बना मिंटो ब्रिज हर बार बरसात में लोगों की आफत का सबब बनता है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ पानी की निकासी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। 7 बजे हमारा गाड़ी यहाँ खराब हो गया। हाँ। बंद हो गया गाड़ी, स्टार्ट हुआ नहीं, हमने कोई अति नहीं हुआ। गाड़ी बंद होने के बाद में हमारा गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाया, हम गाड़ी निकाल नहीं पाया। अब आईटीयू का हाल देखिए, बारिश के बाद यहाँ सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जल भराव की वजह से जाम भी हो गया जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई गाड़ियाँ भी बंद हो गयी। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कन्नौट प्लेस भी बारिश की मार नहीं झेल पाया। यहां सड़कें डूबी हुई नजर आई और कई दुकानों में भी पानी भर गया। सुबह सुबह आई आसमानी आफत ने सबकी परेशानी बढ़ा दी। ये दिल्ली का दिल है जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है और कनॉट प्लेस देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली का दिल दरिया बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएंगी ऑटो बंद, बाइक बंद, गाड़ियां मुश्किल निकलते हुए, जो पैदल मुसाफिर है वो भी साइड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जहां तक नजर जाएंगे सिर्फ पानी नजर आएगा। तो ये देख लीजिए ये राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली का साक यानी कनॉट प्लेस जो अंग्रेजों के जमाने में इस लिहाज से बनाया गया था कि दिल्ली का, नई दिल्ली का, लुटियन दिल्ली का मुख्य बाजार बनेगा, अत्याधुनिक होगा। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान की कीमत करोड़ों में है, अरबों में है और वहाँ देखिए कि फुटपाथ से लेकर सब कुछ डूबा हुआ है। बारिश ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया। लुटियंस दिल्ली में हर तरफ तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। सड़कें लबालब पानी से भर गई जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त में भारतीय संसद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे हूँ और तो सोचिए लुटियन दिल्ली जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उस राजधानी दिल्ली के उस इलाके में जहाँ पर संसद भवन है वहाँ के हालात देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं है बल्कि कोई नहर है और नहर में से लहरों को चीरती हुई गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही है। और ये हालात तो केंद्रीय दिल्ली के है, अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ स्थिति और ज्यादा खराब नजर आएंगी। बारिश आई तो सांसद भी परेशान हो गए। लुटियंस दिल्ली में कई सांसदों के बंगलों के अंदर पानी भर गया, कई दफ्तर भी पानी में डूब गए। आफत की बारिश ने इतना बेहाल किया कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। राजधानी दिल्ली के लुटियन इलाके में जो कोठियां हैं जहां पे सांसदों के, मंत्रियों के घर हैं, वहां की हालत देख लीजिए। देखिए किस तरीके से ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि अंदर जो सांसद का घर है वहां पर पानी भरा हुआ है। लोकसभा के सांसद राज्यसभा से आते हैं राहुल, और उनके घर के अंदर पानी भरा हुआ है और लगभग यही स्थिति आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कोठी है उसमें भी नजर आएगी। देखिए किस तरीके से अंदर तक आपको जल भराव नजर आएगा। राजधानी में बारिश के साथ ही जाम ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सुबह सुबह लोग जब ऑफिस के लिए निकले तो उन्हें भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। इस समय हम मौजूद हैं
दिल्ली नोएडा से जाने वाली रोड दिल्ली की तरफ जो कनेक्ट होती है एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर जाम की स्थिति बन चुकी है। पूरा का पूरा दिल्ली नोएडा से दिल्ली जाने वाला रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। बारिश से दिल्ली में आवाज बढ़ जाती है, काफी गहरी नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक बारिश का अनुमान लगाया है, यानी अगर बादल बरसे तो दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ना तय है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से दुनिया भर में मौसम का